अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस किरण फ्रॉम मार्वल एकेडमी। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.4 पेज नंबर 64 पार्ट बी। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, सो लेट्स स्टार्ट। आवर क्वेश्चन इज 3x - 7 = 11। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि x किसी भी नंबर के साथ ना हो, मतलब ये कि देखो 3x है इज इक्वल टू 11, ये 7 जो है वो हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे शिफ्ट करवाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं चाहिए, हमें x को हर नंबर से सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ 7 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 11 और 7 जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, सेवन और वन करेंगे तो 8 और 1, तो कितना हो जाएगा 18। 11 + 7 = 18। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हम यहाँ पे 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये तो हमें पता है ना कि अगर एक चीज इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो जब वो दूसरी साइड मूव करती है तो वो डिवाइड हो जाती है। अब ये देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं किसी भी एक टेबल से, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो ये जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, एक टेबल में आते हैं इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। तो यही हमारा आंसर है, हमें क्या निकालना था, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर टू क्या है आपका बेटा, x + 2 = 18 - 3x। अच्छा, अब इसमें हमारे पास x की वैल्यूज भी दो हैं और कांस्टेंट भी दो हैं। अब हम क्या करेंगे, x वाले नंबर एक तरफ शिफ्ट करवा लेंगे और जो दूसरे नंबर हैं उनको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा लेंगे इज इक्वल टू के। ये देखो 3x यहाँ क्या था, x था हमारे पास और यहाँ 3x माइनस का था, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18 एज इट इज उतर गया, ये 2 यहाँ प्लस का था, दूसरी साइड गया तो माइनस का हो गया। अच्छा, यहाँ पे जब कुछ भी नहीं होता तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे 1 है, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4x, 18 में से 2 माइनस होगा तो क्या होगा बच्चों, 16। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, जब वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा मतलब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 4 × 4। अब ये मुझे बताओ ये एक टेबल में आते हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं किसी भी एक टेबल से, 4 × 4 के टेबल में 16 आते हैं, 4 × 4 = 16, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमें इसमें यही फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं इस पार्ट एक्सरसाइज बी में, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है जो आपने स्कूल में आके सबमिट कराना है विद इन 2 डेज। और अब आ जाओ पार्ट सी पे, हम मूव करें पार्ट सी पे, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम, मैं आपको कभी बताती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 5x, ये सी पार्ट है मेरा और इसका ये 1 है। ठीक है, 5x + 1 पेज नंबर है 65। ठीक है, 5x + 1 + 3
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, देखो जब हमारे पास बच्चों नंबर इस तरह बाहर नंबर दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर दूसरे नंबर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये वाला 5 इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वाला 5 इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेम इसी तरीके से ये 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, यही 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, 5 को जब हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5x। 5 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 1 5, ठीक है। प्लस 3 को x से करवाएंगे तो ये 3x हो जाएगा, और इसी तरीके से जब हम 3 को 1 से करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, जो के बराबर है 12 के। ये क्वेश्चन में ही गिवन था आपको। अब हम क्या करेंगे, x वाले नंबर एक साइड पे कर लेंगे, दूसरे नंबर्स को अलग कर लेंगे। 5x प्लस 3x प्लस का 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 12। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8x। 8x प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। साइन हमारे पास प्लस की आएगी, क्योंकि 5 के साथ जो है वो प्लस की साइन है, हमेशा बड़े नंबर की साइन आती है प्लस माइनस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये एक्स है और ये एक वेरिएबल के, मतलब ये नंबर वेरिएबल के साथ है और ये जो है वो कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को मूव करवा लेंगे दूसरी साइड पे। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा माइनस का 2। 8x इज इक्वल टू, जब हम 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमें एक्स को हर नंबर से सेपरेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 10/8। ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे आया, राइट हैंड साइड पर आया, तो ये डिवाइड हो गया। अब बताओ ये 8 टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं ना। 2 4 8, 2 5 10, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, 5/4। अब ये मजीद कैंसिल आउट नहीं हो रहे, इसलिए मैंने इसको यही छोड़ दिया है, और ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, समझ आया। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। x प्लस 2 क्वेश्चन है हमारे पास, 18 माइनस 3x। अब हम क्या करेंगे, हमने इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चों x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये है कि हम x को एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और इन वाले नंबर्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। मतलब ये 3x यहाँ माइनस का है, अगर ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इसको शिफ्ट कर लिया, ठीक है। इज इक्वल टू 18 एज इट इज रहा, ये वाला 2 मैं यहाँ दूसरी तरफ ले गई तो ये हो गया माइनस का 2, ठीक है। अब मैं यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम सपोज करते हैं कि 1 है। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 4x इज इक्वल टू 18 में से हमारे पास जब 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 16, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। 4, अब मुझे बताओ 4 के टेबल में 16 आता है, 4 1 4, तो ये हमारा आंसर है, समझ आया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद सारे क्वेश्चन जो है वो सेम है, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, x अपॉन 2 माइनस 2/2x/3 इज इक्वल टू 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आ जाओ इसकी तरफ, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास देखो 2 डिनोमिनेटर में जो है वो टर्म्स गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी बच्चों, पहले तो हम ये, सबसे पहले तो हम ये करेंगे, अगर हमारे पास 2 डिनोमिनेटर गिवन है तो हम सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था हमने,
टू और थ्री। अब मुझे बताइए कि देखो टू के टेबल में थ्री आता है नहीं आता, टू वन जै टू, थ्री एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थ्री के टेबल में ये वन एज इट इज, टू तो खत्म हो गया ना, अब यहाँ पे तो वन एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह थ्री वन जा थ्री। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, टू थ्री जा सिक्स, तो ये आपका क्या आ जाएगा सिक्स। इन दोनों का एलसीएम लिया तो सिक्स आया। अब हमें ये वो करना है, हमें कैसे एलसीएम के बाद क्या करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे टू है यहाँ पे सिक्स है, मुझे ये पता करना है कि टू के टेबल में सिक्स कब आता है। टू को अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा ना, तो ये जो थ्री आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर से, तो थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो थ्री एक्स। इसी तरीके से बच्चों थ्री के टेबल में सिक्स कब आता है, टू का, तो हम टू को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली टर्म से, टू टू जा फोर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू थ्री। अब क्या करेंगे, ये दोनों एक्स वाले नंबर हैं, आपस में माइनस हो सकते हैं, फोर में से थ्री माइनस होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का एक्स इज इक्वल टू थ्री, और यहाँ पे हमारे पास सिक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद के ये वाला x यहाँ डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, मीन्स राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का x है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, थ्री सिक्स जा एटीन माइनस का x। अब ये वाला माइनस अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 18, मतलब ये कि मैंने x को यहाँ शिफ्ट करवा दिया और 18 को यहाँ ले आई हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें x नेगेटिव में नहीं चाहिए होता है, इसलिए हमने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमने सॉल्व कर लिया है, हमारा आंसर भी आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस की 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, ये पूरी एक्सरसाइज पार्ट सी और पार्ट बी, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, कोई मसला नहीं है, आप लोग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों का होमवर्क है, एक्सरसाइज 8.4 पार्ट बी एंड सी, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस, और ये आपको विद इन टू डेज सबमिट करवाने हैं स्कूल में आके। अल्लाह हाफिज़।